नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव नहीं होने के बारे में। पंचायत चुनाव के रद्द होने के बाद अब बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर भी चुनाव का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। विधान परिषद की इन सीटों पर चुने जाने वाले पार्षद स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों द्वारा वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि इसमें वोटर होते हैं, जिनकी संख्या सर्वाधिक है, लेकिन बिहार में समय पर चुनाव का आयोजन नहीं हो पाया और वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। दूसरी तरफ विधान पार्षदों का कार्यकाल 17 जुलाई तक ही है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए ही कैबिनेट के निर्णय के बाद बिहार विधान परिषद की इन सीटों को लेकर यह निर्णय लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 15 जून के बाद स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में कोई इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में विधान परिषद की खाली होने वाली सीटों पर स्थानीय प्राधिकार के सभी मतदाताओं को वोट देने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी स्थानीय प्राधिकार के इलेक्टोरल कॉलेज नहीं रहने को कर भारत निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया था। ज्ञात हो बिहार विधान परिषद की इन सीटों के निर्वाचन में ग्राम पंचायत के 8000 मुखिया, 11000 110000 वार्ड सदस्य, 11457 पंचायत समिति सदस्य और 1161 जिला परिषद सदस्यों के अलावा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के वार्ड सदस्यों के साथ छावनी क्षेत्र के सदस्य मतदाता होते हैं। इनमें कुल मतदाताओं का 97% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों का होता है। सिर्फ 3% वोटर ही नगर निकाय के होते हैं। ऐसी स्थिति में पंचायतों के चुनाव स्थगित होने के साथ ही विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार का चुनाव तब तक के लिए टाला गया है जब तक कि पंचायत आम चुनाव संपन्न नहीं हो जाते। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से 24 सदस्यों का चुनाव बिहार विधान परिषद में होता है। इनका कार्यकाल जुलाई में पूरा हो रहा है। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल के पहले ही नए सिरे से चुनाव कराया जाना था, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत राज का आम चुनाव नहीं हुआ। वहीं पंचायत चुनाव की बात करें तो सरकार परामर्शी समिति बनाने का आदेश जारी कर चुकी है। वहीं राज्यपाल फागू चौहान ने इस बाबत अध्यादेश भी जारी कर दिया है। वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि साल 2016 में चुनकर आए थे। इनका कार्यकाल इसी साल 15 जून से 30 जून के बीच में समाप्त हो रहा है। कायदे से इनका चुनाव साल 2021 के मार्च अप्रैल में समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ईवीएम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग में झगड़ा और फिर कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत ने पानी फेर दिया। जून में मानसून की शुरुआत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। कोरोना और मानसून जैसी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार प्रारंभ किया है, जिसमें अब तय हुआ है कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। इनके स्थान पर परामर्शी समिति पंचायतों का कामकाज देखेगी। बिहार में 16 जून से पंचायतों में परामर्शी समिति काम करना शुरू कर देगी। पंचायती राज कानून में संशोधन किया जाएगा। अधिनियम 2006 में धारा 14, 39, 66 और 92 में संशोधन किया जाएगा। हालांकि अब तक यह तय नहीं है कि परामर्शी समिति की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, परामर्शी समिति में कौन कौन रहेंगे, यह अध्यादेश में प्रावधान किया जाएगा। कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग को अध्यादेश तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी है, जिससे वर्तमान जनप्रतिनिधियों को शक्ति देने की योजना है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।